अब आपके बीच में प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानी मुकेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको दिशा निर्देश करें। प्रभारी जी मुकेश अग्रवाल जी, के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की जो चलाने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बामसेफ डीएसपी और बीएसपी के जन्मदाता संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश में चार चार बार रहे मुख्यमंत्री, आस्था एवं स्वाभिमान की प्रतीक परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरणा लेते हुए आज की इस आपके ग्राम में ये बहुजन राज अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य श्री इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, हमारे बीच में उपस्थित जिले के प्रभारी सम्मानित अमरलाल टैगोर जी, जिले के प्रभारी सम्मानित बैजनाथ बोध जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानित दीपेन बोध जी, आपके इस क्षेत्र दिमनी से विधायक रह चुके लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री बलवीर सिंह दंडोतिया जी, संचालन कर रहे सरोठिया जी और यहाँ बैठे हुए सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के पुराने पदाधिकारी कार्यकर्ता शुभचिंतक, सभी सम्मानित हमारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, ये राज अधिकार यात्रा इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको उजागर करने के लिए पूरे प्रदेश में ये ग्वालियर से 26 तारीख से इसकी शुरुआत हुई और ग्वालियर से ग्वालियर जिले में घूमी, श्योपुर जिले में गई और आपके मुरैना में सभी विधानसभाओं में घूमती हुई कल ये अम्बा में घूमेगी। इस रथ यात्रा का मकसद ही है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर, इनको जागरूक करके, इनको बहुजन समाज की विचारधारा बताकर और इस देश के अंदर जिन लोगों ने देश आजादी के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश के अंदर सरकार चलाई है, सबसे ज्यादा आप लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने आपस में कंपटीशन किया। जब देश आजाद हुआ कांग्रेस के हाथ में बागडोर आई तो कांग्रेस ने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीब और किसानों का नारा दिया और देश का गरीब किसान इसी उम्मीद में कि कांग्रेस पार्टी हमारा भला करेगी हर 5 साल में उसको वोट देती रही और कांग्रेस की सत्ता बनती रही, लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं हुई। आज हम देखते हैं किसानों की गांव में हालत क्या है। आज आधुनिक भारत बनने जा रहा है लेकिन किसानों की भी हालत जैसी की तैसी है और यही काम 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब और किसान का नारा दिया और लोगों से कहा आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, ये नारा देकर कांग्रेस और बीजेपी ने हमें ठगने का काम किया, झूठे वादे खोखले नारे देने का काम किया। अब इस बात को आपको समझना है, ये हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में कंपटीशन होता है। किस बात का कंपटीशन होता है कि हम जो कर्णप्रिय नारे हैं, जो आपको कानों में सुनने को अच्छे लगते हैं, उन दोनों पार्टी के लोग ऐसे नारे देते हैं जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि नया उन्होंने नारा दिया
लाडली बहना, लाडली बहना को 1,000 रुपए महीने देंगे, साल भर में 12,000 रुपए होंगे और 5 साल मिले तो 12×5=60,000 होंगे। लेकिन अगर लाडली बहना के बेटे को या उसकी बेटी को रोजगार दे देते तो वो महीने में 60,000 पेमेंट लेती सरकारी नौकरी अगर मिलती तो, अपना घर भी चला लेती और आपके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन कांग्रेस बीजेपी तो चाहती नहीं है कि, वो चाहती है कि ये जनता, गांव की जनता हमेशा हाथ फैला के रखे, क्योंकि अगर ये मांगेगी नहीं तो हम मालिक कैसे कहलाएंगे। हम मालिक तभी कहलाएंगे जब सामने मांगने वाला हो, और जब मांगने वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर हम मालिक कैसे कहलाएंगे। इसलिए बीजेपी कांग्रेस के लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, वो 1,000 का लाडली बहना योजना चला रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं श्री कमलनाथ जी कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें 6,000 रुपए देंगे। साथियों, इन्होंने हमेशा अगर किसानों को पट्टे दिए तो हाथ में कागज तो मिला लेकिन उसे जमीन कभी नहीं मिल पाई। इनके कागजी घोड़े ये लोग दौड़ाते हैं और कागजी घोड़े दौड़ाकर हमें साथियों लाइन में लगाने का काम करते हैं। इसलिए इस लाइन से अलग हटने के लिए कि आप लोग लाइन में नहीं लगें, आप इस देश के मालिक बने, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो ये तो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा। ये महापुरुषों ने जो आंदोलन किया वो आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए किया। तथागत बुद्ध ने कहा था कि अति दीपो भव, अपने दीपक आप बनो। मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं। लेकिन साथियों, अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको हर समस्या का अंत करना है तो आपको अपने पैरों पे चलना होगा। लेकिन हम जब तथागत बुद्ध की बात को भूले तो हमारे बीच में संत कबीर साहब आए, उन्होंने भी वही बात की कि कर भैया वाला अपनी छाड़ बनानी आस, दूसरों पे उम्मीद करना छोड़ो, अपनी बिगड़ी खुद बनाओ। जब कबीर साहब की भी बात नहीं मानी तो समकालीन संत थे संत रविदास जी, संत रविदास जी ने भी यही बात की कि पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, और पराधीन रहदासो कौन करेगा प्रिय। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने आपके बीच आकर हमें उन्होंने संदेश देने का काम किया कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। लेकिन साथियों, फिर क्या बात है कि आज भी हालत ये है कि हम लोग दूसरों पर निर्भर हैं। हमारे महापुरुषों ने आपकी निर्भरता अंत करने का लिए आपको रास्ता दिया। लेकिन साथियों, फिर जब संत रविदास जी ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न, यानी ऐसा राज चाहते थे। लेकिन जब हम पूरे देश में देखते हैं कि ये देश कई बार गुलाम हुआ और कई बार आजाद हुआ, यहाँ मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी किया, और इधर जब अंग्रेजों से आजादी मिली तो साथियों कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया। लेकिन इस देश के अंदर जो हमारी हालत है, हमें अपने महापुरुषों ने अपने पैरों पर खड़े होने की बात की, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब इस समाज को जागरूक किया और इसे अपने पैरों पर खड़े करने की बात की तो उन्होंने भी 1927 में कहा था कि दलित शोषित समाज के लोगों, अगर आप मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो। यानी बाबा साहब ने भी वही संदेश दिया जो बुद्ध कबीर और संत रविदास ने दिया था। लेकिन बाबा साहब ने आपके लिए कानून बना दिया, आपको इस देश के अंदर स्त्री और शूद्र को विद्या वर्जित थी, आपको शिक्षा का पूरे देश के अंदर हर वर्ग को, चाहे वो कोई भी हो देश का नागरिक है, उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार की है, ऐसा कानून बनाकर बाबा साहब ने आपको शिक्षा का रास्ता खोलने का काम किया। आप इस देश में मालिक बने, आप इस देश में शासक बने, अपनी समस्याओं का अंत करें, इसके लिए साथी उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब ने उस समय कहा था जब ये दो अधिकार दिए थे कि आने वाले समय में 30-32 सालों में ये बहुजन समाज जब पढ़ लिख कर तैयार हो जाएगा तो ये वोट का इस्तेमाल करना सीख जाएगा, ये बात उन्होंने कही। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 30-32 तो छोड़ो, आज साथियों 77 साल आजादी के हो गए।
और 77 साल आजादी को हुए, ये बात बाबा साहब ने जब कही थी तो अगर उसको जोड़ा जाए तो आज 90 साल हो गए। लेकिन इन 90 सालों में साथियों हम वोट का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए, जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जो हमारे महापुरुषों का सपना था। लेकिन साथियों एक पार्टी जब शासन करती रही, फिर बीजेपी ने शासन किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिला, वो सरकार चलाने का मौका कैसे मिला? क्योंकि हमें वोट का अधिकार है, हम एक दिन ऐसे वोट डालते हैं। लेकिन इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हमारी हालत मांगने वाली कर ली। हमारा समाज, हमारे गांव के लोग ये चाहते हैं, पूछते हैं जब चुनाव आते हैं कि कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही है। और जब तक इस तरह का ख्याल आप अपने दिमाग में रखोगे कि कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही, तो साथियों आपकी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने इस आदत को बदला, जो मानवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में ये संदेश दिया कि तुम मुझे वोट भी दो और तुम मुझे सहयोग भी दो, जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने दोनों हाथ ऐसे किए, इस बात को समझ गए वो और दोनों हाथ ऐसे किए, तो वहाँ चार चार वर्ष सरकार चलाने का मौका मिला। तो संत रविदास जी की बात, सपना साकार हुआ, कैसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़े सब संभस है रैदास रहे प्रसन्न। इसलिए आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने पर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया कि अब कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन जिसकी जितनी जरूरत है, जिसको पहले जो जरूरत है साथियों उनको पूरी की जाएगी। इसलिए आदरणीय बहन जी ने जो हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता था, अन्य अत्याचार का अंत करने के लिए कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए एक महीने के अंदर 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम किया। इससे साथियों भय मुक्त समाज बना। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार में जो हमारे भूमिहीन गरीब थे, किसानी तो करते थे लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी, तो साथियों आदरणीय बहन जी ने ऐसे लोगों की सूची बनाकर सर समाज के गरीब लोगों को 3-3 एकड़ के पट्टे देकर और साथियों उनको जमीन मौके पर देने का काम किया। जो आवास विहीन थे उनको आवास देने का काम किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का क्या एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी अपना क्या घोषणा पत्र बनाती है, क्योंकि बीजेपी घोषणा पत्र बनाती है और साथियों कांग्रेस घोषणा पत्र बनाती है, लेकिन साथियों वो घोषणा पत्र तो बनाती है लेकिन जब चुनाव जीत जाती है और सरकार बन जाती है तो वो घोषणा पत्र को एक अलमारी में रख देती है, उसको फाइल में दबा के रख देती है, उन घोषणाओं पे वो घोषणा सिर्फ कागजों में रह जाती है और वो 5 साल अपनी सरकार चलाती है। इसलिए साथियों इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो साथियों जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे शिक्षा का मामला हो, 511 एकड़ में गौतम बुद्ध नोएडा यूनिवर्सिटी के बनाने का काम किया, आदरणीय बहन जी ने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के रास्ता खोलने का काम किया, और आदरणीय बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करके सर्व समाज के लोगों को साथियों ने रोजगार पक्का देने का काम किया, बैकलॉग भरने का काम किया। तो इस तरह साथियों बहुजन समाज पार्टी आपकी पार्टी है और ये बहुजन समाज की पार्टी है। बहुजन समाज के मेहनत मशक्कत के खून पसीने से कमाए हुए संसाधनों से ये चलती है। बहुजन समाज पार्टी किसी उद्योगपति के पास या किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाती है कि आप हमें सहयोग करें। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आती है तो बहुजन समाज पार्टी ये जानती है कि अगर हम किसी से सहारा लेंगे तो ये कल हमें इशारा करेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी किसी उद्योगपति के पास आदरणीय बहन जी नहीं अपेक्षा करती कि वो हमें सहयोग करे, क्योंकि इस देश के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों से सहयोग लेते हैं और आपका वोट हासिल करते हैं, और आपका वोट जब ऐसे डालते हो और एक हाथ ऐसे करते हो और जिस दिन वोट डाल देते हो दूसरे दिन से ये भी हाथ ऐसे हो जाता है, फिर आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने वोट दिया और दूसरे हाथ से कुछ लिया। तो जो भी आप देखते हैं कि गांव वालों को क्या मिलता है, या तो कच्ची मिलेगी या पक्की मिलेगी, या थोड़ी सी कोई लालच मिलेगी,
या धर्म, आप सामाजिक काम करते हैं तो धर्मशाला की छत मिल जाएगी, आप धार्मिक काम करते हैं तो कोई मंदिर का चबूतरा बनवा देंगे। इस तरह का लालच देकर और साथियों हमारे लोगों का वोट हासिल कर लेते हैं और दूसरे दिन से हमारे लोग फिर मांगने वाले बन जाते हैं। लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी की ये चाहत है कि आप अपने बहुजन समाज के बीच भाईचारा पैदा करके हर गांव में, जिस तरह से आज पूरे प्रदेश के अंदर रथ यात्रा निकल रही है, जागरूकता चल रही है, तो हमारे इस गांव में भी नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के जागरूक लोग हैं, इनको भी अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार करना होगा। हमें गांव-गांव में बूथ मजबूत करना होगा और जो प्रत्याशी आदरणीय बहनी हमें देती हैं, तो हमारी ये हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें जनता के बीच जाकर ये बताना है कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी है और हमारा चुनाव चिन्ह हाथी है। इसलिए साथियों हाथी वाले थाने को मैं वोट देकर हम अपनी पार्टी को मजबूत करें, हम अपनी पार्टी को जिताने का काम करें। जिस तरह से मानवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये दोनों हाथ ऐसे किए और एक हाथ ऐसे किया, तो साथियों उत्तर प्रदेश में हम मालिक बन गए, फिर हम खजाने के मालिक बन गए, तो आदरणीय बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, तो एक गांव में 14 करोड़ रुपए देकर और साथियों पूरे गांव का विकास करने का काम किया। इस तरह से साथियों हम अगर मालिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा, आपको अपने गांव में इस आदत को बदलना पड़ेगा और एक एक बूथ पे भाईचारा बनाकर पार्टी को मजबूत करके और आने वाले 2023 में हम इस प्रदेश के अंदर तीसरी ताकत के रूप में उभरे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बारे में हम सब जान चुके हैं कि अगर बीजेपी कमजोर होती है तो वो कहती कांग्रेस जीत जाएगी, और कांग्रेस जब कमजोर होती है तो वो कहती बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके चलते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग डरते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी आ गई तो हम दोनों का सफाया हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो आपकी जो दुख तकलीफें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो गांव की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे चिकित्सा की हो, या किसी भी तरह की आपकी समस्या हो, उन समस्याओं का अंत करने के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना होगी, आपको चुनाव चिन्ह हाथी वाले खाने पर बटन दबाना होगा। ऐसी आशा उम्मीद करते हुए कि असफलता एक चुनौती है, ये स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।